धुंधन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि रजवाड़ों का जमाना चला गया है, अब किसानों की बारी है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने चाय बेचने वाले ईमानदार को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि 2004 से आज तक कांग्रेस सरकार ने घोटाले पर घोटाले ही किए हैं। उन्होंने इस मौके पर अर्की मंडल के वर्ष 2004 के दौरान आयोजित सायर मेले के दौरान वीरभद्र सिंह द्वारा की गई टिप्पणी का भी व्याख्यान किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि शिमला ग्रामीण में तो राहगीरों के लिए एक रेन शेल्टर तक नहीं बनाया गया है। केंद्र सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए मार्गों के लिए दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 1,150 चुंगी के नाके बंद कर दिए हैं। नोटबंदी से कालाबाजारी करने वालों को तकलीफ हो रही है। जीएसटी से पहले 17 से अधिक कई अन्य टैक्स लगते थे, जबकि अब मात्र एक टैक्स ही लग रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 12 करोड़ रुपए खर्च करके जिला शिमला में 2 स्टेडियम निर्माण करवाए, जबकि प्रदेश की वीरभद्र सरकार स्टेडियम के नाम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाई। संपन्न कांग्रेस पार्टी के आगे हम कैसे खड़े होंगे? हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज थी और ईमानदार मोदी जी का नेतृत्व था, तो 1984 के बाद पूर्ण बहुमत मिला तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को देश में मिला है। मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपके यहाँ पर टायर का मेला बहुत बड़ा होता है, तो अगर नहीं होगा 2014 याद है। इससे पूर्व भाजपा प्रत्याशी रतनपाल ने कहा कि वे किसान के बेटे हैं और सबका दर्द समझते हैं। उन्होंने कहा कि महलों में रहने वाले ग्रामीणों का दर्द नहीं समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अर्की उपमंडल में भाजपा कार्यकाल में अतः विकास हुए हैं।